दोस्तों बिग बॉस भारत का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और आज हम आपको बिग बॉस से ही जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। बिग बॉस वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया के माध्यम से एंडमोर शाइन इंडिया द्वारा चलाया जाता है। कुछ ऐसे बिग बॉस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस में एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो प्रेग्नेंट थी और एक ऐसी कंटेस्टेंट भी थी जो बिग बॉस के घर में सिर्फ 3 दिन ही रुकी थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए लिए थे। और भी बहुत सारे मजेदार फैक्ट्स हैं, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ब्रांडेड प्रोडक्ट, क्या आप जानते हैं कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं ले जा सकते हैं। वेकअप कॉल, कंटेस्टेंट आमतौर पर सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, उनका वेकअप कॉल उस समय पर निर्भर करता है जब पिछली रात की शूटिंग खत्म हुई हो, और जितनी लेट शूटिंग खत्म होती है उतने लेट वो अगले दिन उठते हैं। बिग बॉस से रिक्वेस्ट, अगर बिग बॉस के घर में कोई सामान खत्म हो जाता है तो कंटेस्टेंट बिग बॉस से स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बिग बॉस फिर उन्हें वो सामान दे भी देते हैं। वीकेंड का वार तो सबका फेवरेट होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीकेंड का वार सिर्फ स्पेशल शनिवार या रविवार को ही शूट नहीं किया जाता है। यह सब डिपेंड करता है सलमान खान की डेट्स पर। अगर सलमान खान के पास डेट्स नहीं है तो यह वीकेंड का वार किसी भी दिन शूट किया जा सकता है। बिग बॉस का कैमरा, बिग बॉस के घर में 2 तरह के कैमरे लगाए जाते हैं, रोबोटिक और ट्रैक। बिग बॉस के घर में 90 कैमरे लगे होते हैं। इतने कैमरे आज तक किसी भी टीवी शो में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं और कोई भी कंटेस्टेंट बिग बॉस के कैमरे से बच नहीं सकता है। सिवाय बाथरूम को छोड़कर हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। बिग बॉस मिरर, बिग बॉस घर की बाहर की दीवारें एक तरफ से कांच से बनी हुई होती है। पूरे बिग बॉस हाउस में मिरर ही मिरर देखने को मिलते हैं। यह मिरर कंटेस्टेंट के लिए नहीं होते, वास्तव में यह कैमरा और कैमरामैन होते हैं जो मिरर के पीछे दीवार के दूसरी तरफ से शूट कर रहे होते हैं कंटेस्टेंट की हरकतों पर। नो क्लॉक पॉलिसी, बिग बॉस के घर में नो क्लॉक पॉलिसी होती है। यहाँ रहने वाले कंटेस्टेंट बाहरी दुनिया से कटे रह जाते हैं और उन्हें समय का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे घड़ी भी पूरी तरह से बैन है, कोई भी उसका इस्तेमाल या फिर अपने साथ नहीं ले जा सकता है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, बिग बॉस को मजेदार बनाने के लिए या कहें और भी ज्यादा एंटरटेन बनाने के लिए इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को भी बिग बॉस में बुलाया जाता है। बिग बॉस के घर में सबसे पहले आने वाली इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जेड गुडी थी, जो बिग बॉस सीजन 2 में आई थी। जेड गुडी एक रियलिटी टीवी प्रेजेंटर थी जो बिग ब्रदर शो की एक कंटेस्टेंट रह चुकी है, जिसमें शिल्पा शेट्टी भी थी, लेकिन कैंसर होने के कारण उन्हें बिग बॉस के घर से दूसरे ही दिन वापस भेज दिया गया था और फिर 2009 में उनकी कैंसर से मौत हो गई। सबसे छोटा बिग बॉस सीजन, बिग बॉस का अब तक का सबसे छोटा सीजन बिग बॉस सीजन 3 था, जो सिर्फ 84 दिन तक ही चला था और इसके विनर थे बिंदु दारा सिंह 3 दिनों के लिए और वो भी 2.5 करोड़। बिग बॉस सीजन 4 में आने वाली इंटरनेशनल सेलिब्रिटी पैमेला एंडरसन ने 3 दिन के लिए 2.5 करोड़ रुपए लिए थे, जो अब तक की सबसे बड़ी फीस है तीनों के हिसाब से। मोस्ट नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट, बिग बॉस में एविक्शन के लिए सबसे ज्यादा नॉमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट तनिषा मुखर्जी थी। सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट होने के बाद भी वह शो की रनर्स अप रही थी। बिग बॉस हाउस क्लीनिंग, बिग बॉस घर जैसे बड़े घर की सफाई का काम आसान नहीं होता है, इसीलिए घर की मुख्य सफाई के लिए सफाई कर्मचारी द्वारा की जाती है, जो एडिटिंग के दौरान काट दिया जाता है और वह पार्ट आपको नहीं दिखाया जाता। जब सफाई कर्मचारी सफाई के लिए बिग बॉस के घर में आते हैं, तब कंटेस्टेंट को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि किसी भी बिग बॉस कंटेस्टेंट को बाहरी आदमी से बात करने की परमिशन नहीं होती है। बिग बॉस में शादी, बिग बॉस सीजन 4 एक ऐसा सीजन था जिसमें कंटेस्टेंट द्वारा बिग बॉस में शादी की गई थी। यह जोड़ी थी टीवी सेलिब्रिटी सारा खान और अली मर्चेंट की, हालांकि इनकी शादी 2 महीने भी नहीं चल पाई थी। इसके अलावा भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने बिग बॉस सीजन 10 में शादी की थी अपने बॉयफ्रेंड विक्रांत सिंह राजपूत के साथ। बिग बॉस लोकेशन, दोस्तों बिग बॉस का सेट पहले लोनावला में हुआ करता था, लेकिन मुंबई से काफी दूर होने की वजह से इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई फिल्म सिटी में, जिससे कि शो के होस्ट सलमान खान के आने जाने में इतना टाइम वेस्ट ना हो और वह वीकेंड का वार की शूटिंग टाइम से कर लिया करें। कंटेस्टेंट एंड मीडिया, बिग बॉस के कंटेस्टेंट को मीडिया से बात या संपर्क करने की परमिशन नहीं होती है। बिग बॉस के घर से एलिमिनेट होने के बाद भी बिग बॉस के परमिशन के बाद ही वह मीडिया से बात कर सकते हैं। बिग बॉस में घोष, बिग बॉस के घर में भूत। हर सीजन में कोई ना कोई कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर को हॉन्टेड होने की बात जरूर कहता है, जो कि दिखने में बिल्कुल रियल जैसा लगता है। क्या वाकई में बिग बॉस के घर में भूत रहते हैं? बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड, आज तक बिग बॉस के शो को किसी भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने नहीं जीता है। हाँ, वो फाइनल तक जरूर
पहुंचे हैं लेकिन ट्रॉफी तक नहीं। मोस्ट एविक्शन वोट कंटेस्टेंट, बिग बॉस सीजन में सबसे ज्यादा एविक्शन वोट पाने वाली कंटेस्टेंट रेडियो जॉकी और मॉडल पूजा मिश्रा रही है। वह बिग बॉस सीजन 5 में आई थी और घर में 8 हफ्ते रही थी और इस दौरान सबसे ज्यादा 35 एविक्शन वोट द्वारा उन्हें घर से निकाल दिया गया था। सलमान खान और कंटेस्टेंट, बिग बॉस के घर में सलमान खान के बारे में घर वाले अक्सर बातें करते हैं जो कि एडिटिंग के दौरान काट दिया जाता है। एडिटिंग के बाद बिग बॉस शो की रिकॉर्डिंग सलमान खान को दिखाई जाती है, इसमें उनके द्वारा अपने हिसाब से कटिंग की जाती है, उसके बाद ही यह शो टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता है। कंटेस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट, बिग बॉस के कंटेस्टेंट के लिए साइनिंग अमाउंट 8 लाख तक होती है। इसके अलावा घर में रहने वाले लोगों को वीकली पेमेंट मिलता है। पेमेंट कितना होगा यह डिपेंड करता है कि सामने वाला कंटेस्टेंट कितना फेमस है और उसने कितना काम किया है। बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस के घर में जो आवाज सुनाई देती है कि बिग बॉस चाहते हैं, जी हाँ ऐसी आवाज, वो आवाज अतुल कपूर की है। अतुल कपूर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। बिग बॉस के अलावा अतुल कपूर ने मार्वल आयरन मैन में जार्विस के किरदार को भी अपनी आवाज दी है। प्रेग्नेंट कंटेस्टेंट, सोनिका काली रमन बिग बॉस के घर में आने वाली एकमात्र प्रेग्नेंट कंटेस्टेंट थी, लेकिन 8 दिन बाद ही उन्हें शो से बाहर कर दिया गया क्योंकि बिग बॉस टीम को यह लग रहा था कि बिग बॉस में हो रहे झगड़ों की वजह से उनके पेट में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। सलमान खान की स्क्रिप्ट, बिग बॉस के हो सलमान खान पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 दिन शूट करते हैं 2 दिनों का। सलमान खान के लिए एक स्क्रिप्ट राइटर भी होता है जो उनके द्वारा कही जाने वाली लाइंस को लिखता है कि किस कंटेस्टेंट को सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए, किसने गलत किया किसी ने नहीं, क्योंकि सलमान खान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा शो एक एक फुटेज देख सके, इसीलिए उन्हें पर्टिकुलर लाइन में बताया जाता है कि किस कंटेस्टेंट को क्या बोलना चाहिए किसे नहीं बोलना चाहिए। बिग बॉस बुक, बिग बॉस के घर में किसी भी घर वालों को अपने साथ बुक्स लाने की परमिशन नहीं होती है। हाँ जरूरत पड़ने पर पवित्र और धार्मिक किताबें जैसे कि गीता कुरान बाइबल बिग बॉस उन्हें ही दे सकते हैं। बिग बॉस थीम एंड डिजाइनर, हर साल बिग बॉस शो का डिजाइन करने का जिम्मा विनीता और उनके पति उमंग कुमार को दिया जाता है। दोनों मिलके इस बिग बॉस के घर को डिजाइन करते हैं, यही हाउस को थीम भी चुनते हैं। इसकी तैयारी में दोनों 6 महीने पहले ही लग जाते हैं। शो को सेट को तैयार करने में करीब 500 से 600 वर्कर लगते हैं। बिग बॉस के सेट को रेडी करने में बहुत मेहनत लगती है। दिन रात की मेहनत से ये सेट तैयार किया जाता है जो दिखने में किसी महल से कम नहीं लगता है। 2 करोड़ का जुर्माना, अगर कोई कंटेस्टेंट बिग बॉस को बीच में ही छोड़ देना चाहता है तो उसे लगभग 2 करोड़ का जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर को बीच में छोड़ने की बात तो करते हैं और उसके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन 2 करोड़ का सोच के रुक जाते हैं। दोस्तों अभी तक के बिग बॉस के सारे सीजन में आपको कौन सा कंटेस्टेंट सबसे अच्छा लगा हो, आपका फेवरेट अभी तक कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।